प्रेम के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो राधा कृष्ण का हो या रुक्मणी कृष्ण का हो। सनातन में सबसे अलग प्रेम का रूप हमें शिवजी और पार्वती जी की कहानी में नजर आता है। एक तरफ शिवजी सती के दहन के बाद विवाह नहीं करना चाहते थे और दूसरी ओर जगत जननी जगदम्बा अपने शिव स्वरूप को प्राप्त करना चाहती थी। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी सनातन कहानी जिसे खुद विश्व की शक्तियों ने मिलकर लिखा है। शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। दक्ष के यज्ञ में स्वयं को योगाग्नि में भस्म करने के बाद कल्याणमयी अम्बा सती ने तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा से मेनका के शरीर का आश्रय लेकर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज ने उनके जात कर्म आदि समस्त संस्कार संपन्न किए। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर हिमालय की वह सुंदर पुत्री शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। पार्वती जी का तप देखकर सभी ऋषि सभी लोगों की महेश्वरी उस देवी को चारों ओर से घेर कर तप के लिए उसकी स्तुति करने लगे, परंतु महादेव का उनकी तपस्या से प्रसन्न होना अभी बाकी था। इसी समय तारक नामक राक्षस था जो अत्यंत तेजस्वी था। उसका भगवान विष्णु के साथ दिन रात बिना विश्राम के 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। युद्ध में उसने भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। ब्रह्मा जी से 100 वर तथा सैकड़ों गुना बल प्राप्त करके वह दिति नंदन तार ने संपूर्ण जगत पर अधिकार कर लिया था। इंद्र सहित देवतागण तारकासुर के भय से पीड़ित हो गए। वीर होते हुए भी वे भयग्रस्त होने के कारण कहीं भी शांति अथवा शरण प्राप्त नहीं कर सके। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति की शरण ली। इंद्र से सब सुनने के बाद शेष देवताओं तथा इंद्र को साथ लेकर बृहस्पति ने विभु ब्रह्मा के पास पहुंचकर सब कुछ बताया, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक कहा, मैं आप सब देवताओं की विपत्ति को जानता हूं, फिर भी इस समय आपके इस कष्ट का निवारण महादेव ही कर सकते हैं। हिमवान की पुत्री के रूप में जन्मी आदिशक्ति उमा और महादेव के संयोग से जो पुत्र जन्म लेगा और कुमार स्कंद सेनानी कार्तिकेय आदि नामों से अलंकृत होगा, वही इस तारक नामक राक्षस का वध करेगा। यदि हम यहाँ एक अल्प विराम लें और सोचें, तो हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी सभी देवता गुरु बृहस्पति अर्थात विश्व की सभी शक्तियां मिलकर माता पार्वती और शिव अर्थात शिव और शक्ति की इस कहानी को रूप दे रहे हैं। चलिए फिर से चलते हैं कहानी की ओर। सभी देवताओं के साथ गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मेरु के शिखर पर पहुंचकर कामदेव का स्मरण किया और बोले, हे कामदेव, आप सुख पूर्वक शंकर के साथ अंबिका का संयोग करवाइए। वे भगवान शिव जिस भी उपाय से उनके साथ रमण करें, अपनी पत्नी रति के साथ आप उस उपाय को खोजिए। महादेव और उमा के संयोजन से ही तारकासुर का वध संभव है। उनके ऐसे कहने पर देव इंद्र को नमस्कार करके कामदेव ने रति के साथ अपने सहायक वसंत के साथ शंकर जी के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। लेकिन शिव जी ने कामदेव को अपनी तीसरी नेत्र से निकली अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। अंततः भगवान शिव पार्वती के घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान ने सभी आश्रमों के लाभ के लिए पार्वती के साथ विवाह करने का निश्चय किया। उस समय कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी स्वयं मरीचि आदि ऋषियों के साथ देवी पार्वती के तपस्वी वन में गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर देवी की वंदना करी और कहा, हम लोग जिन देवादि देव के सेवक कहे जाते हैं, वे परमेश्वर ही स्वयं आपका वरण करेंगे। हे वरदे, जिन्होंने आपका सृजन किया है, और हे अंबिके, जो आपके बिना रह नहीं सकते, वे शिव जी आपके पति होंगे, इसमें संदेह नहीं है।
ऐसा कहकर उन पार्वती को नमस्कार करके बार बार उनकी ओर देखकर पितामह ब्रह्मा के चले जाने पर भगवान परमेश्वर शिव अनुग्रह करने के लिए ब्राह्मण के रूप में उस आश्रम में आए। महादेव को ब्राह्मण के रूप में उपस्थित देखकर पार्वती ने उनके तेज आदि से उन्हें भगवान शिव जानकर प्रणाम किया। ब्राह्मण के रूप में आए महादेव की पूजा करके पार्वती ने उन परमेश्वर की स्तुति करी। तब शिव ने हंसते हुए कहा, हे महादेवी, मैं सभी देवताओं का स्वामी शिवात्मा हिमालय के काल धर्म की परंपरा की रक्षा करता हुआ क्रीड़ा करने के लिए सज्जनों के मध्य तुम्हारे दिव्य तथा अति सुंदर स्वयंवर में सौम्य रूप धारण करके तुमसे मिलूंगा। ऐसा कहकर उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर शिवजी अपने अभिष्ट दिव्य लोक को चले गए और इसके बाद देवी भी अपने महल चली गई। आने वाले एपिसोड में हम शिव पार्वती के अद्भुत विवाह के बारे में आगे सुनेंगे। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।